शुक्ला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते इस वक्त की खास खबरों का। उन्नाव जिला कारागार में तैनात सिपाही सुरेंद्र पाल सिंह नेगी का संदिग्ध परिस्थिति में झाड़ियों में शव मिला। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र 9 जून को ड्यूटी पर नहीं गया था, जिसके बाद पुलिस को सरकारी कॉलोनी से पास से बदबू आने लगी और जांच पड़ताल के दौरान सिपाही का शव पुलिस ने बरामद करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक सिपाही 9 जून को ड्यूटी पर नहीं गया था और वो शराब भी का भी आदी था। एक सिपाही, उसका नाम है सुरेंद्र सिंह नेगी, ये एक्चुअली परसों ड्यूटी किया है और कल ड्यूटी पे नहीं आया ये। तो फिर मालूम करा गया सिपाही को भेज के कि ड्यूटी पे क्यों नहीं आया। तो जब इसके घर देखा गया, इसके घर में ताला बंद था। तो फिर सिपाही ने फिर इसके मोबाइल पे संपर्क किया, इसका मोबाइल नहीं उठा, घंटी बजी लेकिन नहीं उठा मोबाइल। तो चूँकि ये दारू पीने के आदि था, तो ये माना गया कि कहीं बाजार वजार तरफ चला गया होगा, आ जाएगा इवनिंग तक। लेकिन आज दिन के करीब इवनिंग में लाइन के कुछ सिपाही ने बताया, सर बदबू आ रही है नेगी के आवास के बगल से। तो जब फिर जाके देखा गया, ये हवलदार जाके देखा तो बिनावर क्षेत्र के गांव ददबई में ग्राम प्रधान ने बच्चों को विवाद को लेकर अपने साथियों के साथ मिलकर गांव के एक युवक के साथ मारपीट की, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेकेंडरी अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं अब युवक की मौत होने से गाँव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और गाँव में भारी पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है। कौशाम्बी में थाना सराय अकिल अंतर्गत कनौली क्षेत्र एगवा गांव में एक युवक अपने घर के पास खड़ा था। इस दौरान वहीं से गुजर रहे ट्रैक्टर ने युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें घटनास्थल पर ही दीपक नाम के युवक की मौत हो गई। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया, जबकि मृतक के पिता की तहरीर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूत्रों की माने तो चोरी की बालू का गोरख धंधा काफी से फल फूल रहा है, जिसकी शिकायत कई बार चौकी इंचार्ज को की गई थी, लेकिन पुलिस की लापरवाही की सजा आखिरकार एक युवक को चुकानी पड़ी। जहां एक तरफ अवैध बालू और अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, पूरी तरह इस पर रोक है, प्रशासन भी सख्त रवैया अपनाते हुए नजर आता है, उसके बावजूद भी जो बालू का गोरख धंधा है वो फल फूल रहा था, जिसके चलते एक युवक की भी जान चली गई। यूपी के कई जिलों में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के बाद पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। वहीं मुरादाबाद पुलिस ने अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने सभी को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया था, जबकि मुरादाबाद के एसएसपी हेमंत कुटियाल ने कहा कि जिन 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। आरोपियों को 14 दिन की रिमांड पर जिला कारागार भेजा गया है। आरोपी को वीडियो के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके संबंध में एक एफआईआर लिखी गई थी, जिसमें 10 नामजद और 80 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी। उसी प्रकरण में करीब 25 लोग अरेस्ट किए गए हैं और इनको जुडिशियल कस्टडी के लिए कोर्ट प्रोड्यूस किया जाएगा। अभी और हम देख रहे हैं कि और कौन कौन व्यक्ति हैं जो इस अरेस्ट होंगे, और अभी कार्रवाई चल रही है, टीमें निकली हुई हैं और इन्वेस्टिगेशन। गाजियाबाद कविनगर इलाके के बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में साबुन की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि इस दौरान कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन लाखों का माल जलकर राख हो गया, जबकि फैक्ट्री में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। सूचना मिली बुलंदशहर इंडस्ट्रियल एरिया में, ये प्लाट नंबर 1819 है, ये सोरे वाला शॉप साबुन बनाने की फैक्ट्री है, तो इसमें आग लगी थी और आग दोनों फैक्ट्रियों में एक साथ फैल चुकी थी, काफ़ी विकराल रूप धारण कर ली थी और इसके रखे हुए ड्रम ऊँची ऊँची जा करके फट रहे थे। तत्काल जो है जनपद की सभी गाड़ियां तथा हापुड़ और नोएडा से भी गाड़ियाँ मंगाई गई और आग को चारों तरफ से घेर करके बुझाया जा रहा है। आग को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है तथा अन्य फैक्ट्रियों में फैलने से भी रोक दिया गया है। किसी तरह को खबर
खबर सुल्तानपुर से है, जहां चकमार की पैमाइश के दौरान युवक की दबंगई सामने आई है। इस दौरान युवक ने लेखपाल और सिपाही के सामने असलाह लहराते हुए दबंगई की और पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर साथ ही मामले की पड़ताल में जुट गई है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां जिले में पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के दिशा निर्देशन में अपराध की रोकथाम और शातिर अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के चलते अपराधियों की 3,88,00,000 रुपए की संपत्ति को बुलडोजर चलाकर नष्ट किया गया और सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त करवाया गया। जनपद खीरी के थाना पसगवां क्षेत्र के 9 बहुत ही दुर्दांत अपराधियों पर आज गैंगस्टर एक्ट के तहत 14(1) की कार्रवाई की जा रही है। इस गैंग के लीडर का नाम महबूब खां है, इसके साथ इसके 8 अन्य सदस्य हैं। 9 लोगों की आज संपत्ति का जब्तीकरण किया जा रहा है एवं जो इनके द्वारा ग्राम समाज की भूमि एवं सरकारी भूमि पे जो अवैध रूप से कब्जा किया गया था उसका ध्वस्तीकरण कर खबर गोंडा से है, जहां गोंडा के जिला महिला अस्पताल में नवजात शिशु की देखभाल के नाम पर SNCU में रखने के लिए उनसे मोटी रकम वसूलने का गोरख धंधा चल रहा है। मरीज व उनके परिजनों से वहां पर तैनात स्वास्थ्यकर्मी मोटी रकम की मांग करते हैं। अगर तीमारदार खूस की रकम देने में सक्षम नहीं होता है तो SNCU खाली न होने का हवाला देकर लौटा दिया जाता है। इस मामले पर जिला महिला अस्पताल की CMS ने जाँच कर कार्रवाई की बात कही। अभी तक जो ये आप बात कर रहे हैं मेरी संज्ञान में नहीं है, अभी आपने बताया कि संज्ञान में आया तो मैं इन लोगों को ये इस चीज़ पे ध्यान दूंगी और इनका इस चीज़ पे मैं ध्यान दूंगी और एक कमेटी बनाऊंगी अगर ऐसा हो रहा है तो उनके दो खबर देवरिया से है, जहां सलेमपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गोरी ठाकुर में अंधविश्वास भूत प्रेत को लेकर महिला और उसके घर वालों की जमकर पिटाई हुई, जिसके बाद वायरल महिला की हालत नाजुक देखकर सलेमपुर में रेफर होकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। संबल के हत्यानगर थाना क्षेत्र में 3 महीने पहले हुई 22 साल के युवक की मौत के कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन लिया गया है। आदेश पर SDM की मौजूदगी में रसूलपुर में बने कब्रिस्तान में शव को बाहर निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। दरअसल पहले युवक की मौत की वजह बदहजमी बताई गई थी, लेकिन परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मुरादाबाद अदालत का दरवाजा खटखटाया और अपने बेटे के शव को पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी। अब कोर्ट ने मामले के आदेश दिए हैं, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब तक की खास खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस